टॉपिक के बारे में जानना है वो है मार्कोनी काप का नियम और जानेंगे खैरिस प्रभाव क्या होता है। तो मार्कोनी काप का नियम और खैरिस प्रभाव को कोरोना से रिलेट करके जानना है। खैरिस प्रभाव यानी कोरोना प्रभाव, आइए दिखाते हैं कैसे खैरिस प्रभाव कोरोना प्रभाव बना और मार्कोनी काप के नियम पर कैसे कोरोना का प्रभाव कार्य करता है। तो आइए जैसे हम देखेंगे मार्कोनी काप का नियम, ये क्या होता है कि जब किसी असममित एल्किन पर, क्या होता है असममित एल्किन, तो पहले यहां एल्किन बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए हर कार्बन का चार बॉन्ड पूरा हो चुका है, इस कार्बन का एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट है, कितना हुआ चार बॉन्ड, इसका भी चार बॉन्ड पूरा हो चुका है। तो क्या लिखा है, जब किसी असममित एल्किन पर किसी हाइड्रोजन हाइलाइट का योग होता है, किसका हाइड्रोजन हाइलाइट का, तो लिखेंगे HCl, हाइड्रोजन हाइलाइट का योग कराएंगे तो क्या बनना है, तो हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग यह दो भागों में टूटेगा, किसमें H प्लस प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो हाइड्रोजन हाइलाइट यही है आपका, क्या हाइड्रोजन हाइलाइट, तो हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग, क्या लिखा है हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग द्विक बंध युक्त उस कार्बन से, उस कार्बन से जुड़ता है, यानी द्विक बंध एक एक यह कार्बन है या क्या कार्बन, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो इससे युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। कैसे, मान के चलिए कोरोना काल में आप किसी रिलेशन में गए और दोनों दो घर है, जैसे कार्बन के दोनों मुखिया है, ये दोनों क्या है मुखिया है, ये जो हाइड्रोजन है दोनों घर का सदस्य है, क्या है सदस्य है, तो आप रिलेशन में गए मामा के यहाँ, दो मामा हैं लोग, दोनों के यहाँ एक आदमी यहाँ एक यहाँ तीन लोग सदस्य हैं, एक यहाँ चार लोग, तो आप किनके यहाँ आना पसंद करेंगे, अच्छे से आप रह लेंगे जिनके यहाँ तीन लोग हैं। तो वैसे ही मार्कोनी काप कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, क्योंकि मतलब ये जो निगेटिव पार्ट है एक सदस्य है, ये अपने मामा यहाँ जा रहा है, क्या है इसका मामा का घर है, तो ये दोनों मामा है दोनों कार्बन, तो यह उनके यहाँ रहना पसंद करेगा जिनके यहाँ कम लोग हैं, यानी जिसके यहाँ कम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है सदस्य है, तो यह यहाँ रहेगा क्योंकि यहाँ तो बिस्तर आसानी से मिल जाएगा सोने के लिए, तो यह इस मामा के यहाँ रहना चाहेगा, तो वही कार्बन का डबल बॉन्ड युक्त उस कार्बन से जाके जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, जिनके यहाँ कम सदस्य होते हैं। तो देखिए ये रहा आपका मार्कोनी काप का नियम, तो पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बन जाएगा CH3 CH2, यहां जुड़ना है इसको, CH2 नहीं बनेगा यहाँ, यहाँ जुड़ेगा आपका Cl और ये हो जाएगा आपका CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा मेजर, ये आपका मेजर प्रोडक्ट, इसका एक प्रोडक्ट और बना सकते हैं हम, क्या CH3 CH2, इस क्लोरीन को यहां लाके ना यहां लाके जोड़ दें तो क्या बनेगा CH2 Cl, ये आपका हो गया माइनर, क्या हुआ माइनर प्रोडक्ट, माइनर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपका 2 क्लोरो 1 2 3, यानी हो जाएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन, मन करे तो यहां आप 1 लगा सकते हैं, 1 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, यही होगा आपका मार्कोनी काप का नियम। तो मार्कोनी काप के नियम पर कोई कोरोना प्रभाव कार्य नहीं किया, क्योंकि जब मामा यहाँ गया तो उनके यहाँ रहना पसंद किया जिनके यहाँ सदस्यों की संख्या कम है और सबको यही चाहते हैं। अब आता है आपका खैरिस प्रभाव, कि खैरिस जानना है हम लोगों को, क्या खैरिस प्रभाव यानी खैरिस प्रभाव क्या होता है, तो खैरिस प्रभाव में कोरोना उपस्थित हो जाता है। देखिएगा क्या होता है कि उसमें भी उसका भी यही परिभाषा होता है कि जब किसी असममित एल्किन पर, लेकिन उपस्थिति क्या होता है कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति, तो कार्बनिक परऑक्साइड को ही हम यहाँ कोरोना से इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ असममित एल्किन क्या लेंगे, असममित एल्किन ले लिए, क्या इससे फिर हाइड्रोजन हाइलाइट क्रिया करेगा, हाइड्रोजन हाइलाइट ही क्रिया करेगा यहाँ, फिर HCl होगा, बट ये जो तीर है जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वह उपस्थित क्या होगा कार्बनिक परऑक्साइड यानी ROOR, कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कोरोना यहाँ उपस्थित हो गया, हम यहाँ मामा के यहाँ आए थे तो उनके यहाँ आना पसंद किए थे जिनके यहाँ सदस्यों की संख्या कम है, क्योंकि वहां हम आसानी से रह लेंगे, वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगा, हमको बिस्तर सोने के लिए आराम से मिलेगा, बट जहां ज्यादा लोगों की संख्या होगी वहां हमको आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों लोगों का हिस्सा बराबर है। तो यहां देखिएगा खैरिस प्रभाव जब आया यानी कोरोना प्रभाव आया, तो मान के चलिए मामा यहाँ जा रहे हैं, एक लोग के यहाँ कोरोना हो गया है, ठीक, एक लोग के यहाँ कोरोना हो गया है, तो उनके यहाँ क्यों ना कम सदस्य ही हो, लेकिन आप उनके यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, उनके यहाँ रहना पसंद करेंगे जिनके यहाँ ज्यादा लोग हैं।
काले हम भीड़ भाड़ में रह लेंगे लेकिन कोरोना के साथ नहीं रहेंगे। तो बस ये जो आ रहा है कार्बनिक परऑक्साइड, ये क्या है? कोरोना है। क्या है? कोरोना है। तो यानी जब कार्बनिक परऑक्साइड आता है तो हाइड्रोजन हाइलाइड यानी इसको तोड़ेंगे किसमें? एच प्लस प्लस सी एल माइनस में। तो इसका ऋण भाग कार्बन यानी मामा फर्स्ट मामा सेकेंड। तो यह जब जाएगा मामा के यहाँ निगेटिव पार्ट, तो वह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जाके उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ कोरोना है। ये जहां कम हाइड्रोजन, जहां कम सदस्य है वहां कोरोना है। तो हम ज्यादा वाले में ही रह लेंगे लेकिन कोरोना के साथ नहीं रहेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH3CH यहाँ नहीं आएगा, कम वाले के पास नहीं आना। यानी कार्बनिक परऑक्साइड यानी कोरोना की उपस्थिति में जब असमित एल्किन की हाइड्रोजन हाइलाइड से क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े जाकर उस कार्बन पे जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम है तो यहाँ उपस्थित क्या है? कोरोना यानी कार्बनिक परऑक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ बन जाएगा आपका CH2CH2Cl। ये क्या बना आपका? मेजर प्रोडक्ट बना। यही एक प्रोडक्ट और बनेगा या और करके लिख सकते हैं CH3CH। यहाँ आके दूध CL जुड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका CH3। ये बना आपका मेजर प्रोडक्ट यानी वहां जाके जुड़ा जहां हाइड्रोजनों की संख्या अधिक थी और यहाँ वहां आके जुड़ा जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम था। यानी यह बना आपका मेजर प्रोडक्ट और यह बना माइनर। फिर इसका नाम क्या होगा? वन क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? टू क्लोरो प्रोपेन। यही रहा आपका खैरस प्रभाव और मार्कोनी का आपका नियम। बस यही जानना था कि जहां मार्कोनी ने क्या, मार्कोनी का आपने क्या कहा कि जहां हमारा हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग वहां जाके जुड़ेगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम है, जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम है यानी मामा यहां जाएंगे तो वहां रहेंगे जहां लोगों की संख्या कम है। बस वहां, क्योंकि वहां कोरोना अभी उपस्थित नहीं है। जब खैरस प्रभाव यानी कोरोना प्रभाव इसको माने हैं कि जब खैरस प्रभाव आया यानी कोरोना प्रभाव आया तो हम जब हम मामा यहाँ जाएंगे तो उनके यहाँ रहना पसंद करेंगे जहां ज्यादा लोग हो लेकिन कम यहाँ के कोरोना है, हम वहां नहीं रहेंगे। तो बस ये कहा कि यहाँ कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग यानी खैरस ने कहा कि मेरा हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋण भाग वहां जाएगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या अधिक है। तो बस यही हुआ, यहाँ जहां हाइड्रोजनों की संख्या अधिक थी वहां आके क्लोरीन जुड़ा तो इसे मेजर प्रोडक्ट कहेंगे और वहां जाके नहीं जुड़ा उनके बाद के विपरीत चला यानी यह माइनर प्रोडक्ट या बहुत कम ही बनता है। मैं अपने बातों को एक बार और दोहरा दूं कि यहाँ मार्कोनी का आप में कोरोना नहीं है और खैरस प्रभाव क्या है? कोरोना है। अगर यहाँ कोरोना आ गया एन कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में हम वहां जाएंगे मामा के यहाँ लेकिन वहां रहना पसंद करेंगे जहां लोगों की संख्या अधिक है, क्योंकि कम वाले के यहाँ कोरोना है तो वहां हम नहीं रहेंगे। मार्कोनी का आपने क्या कहा कि जब हम मामा यहाँ जाएंगे तो वहां रहेंगे जहां आदमियों की संख्या कम है, क्योंकि वहां आसानी से रह लेंगे, दोनों लोग का हिस्सा बराबर है, इनके यहाँ कम लोग हैं इनके यहाँ ज्यादा, तो उतने में ज्यादा लोग हैं इतने में कम लोग हैं, हम कम लोगों के यहाँ रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहां हमको आसानी से बिस्तर मिलेगा, आसानी से सोएंगे एकदम आराम से। तो वही मार्कोनी ने कहा, खैरस प्रभाव ये रहा आपका। अब आप इस पे किसी कोई भी एग्जांपल को सेट कर सकते हैं, HCl की जगह पे लिख सकते हैं HBr ले लें, HI ले लें, तो आप अपना एग्जांपल सेट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।